हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दूसरा दिन स्टार्ट नैनीताल में, और कल फिर हम मार्केट घूमे दोस्तों के साथ, इधर उधर थे, बाकी आपने देखा ही। और अभी सुबह का दिन स्टार्ट हो गया। बाकी इन लोगों को देखो, कोई अपने फ़ोन में लगा है, कोई ऐसे बैठा है। ये देखो, ये सबसे मज़े तो ये ले रहा है भाई सुबह उठ के रोटी और बस क्या कहते हैं, यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। हम हैं धूपकोटी साइड में, तो यहाँ से कुछ आपको व्यू दिखाता हूँ। ज़्यादा व्यू तो अच्छी है आपको, ये दिखेगा। आज की छुट्टी लेनी पड़ी मेरे को, फिर ऐसे ही रहा। मैं कहा छुट्टी ले ही लेता है। अब दोस्तों के पास आए थे, कल आया मैं, कल ये हो गया कि लेट हो गया। फिर हमने कहा क्या जाएं हम रामनगर को, तो मैं कहा चलो एक दिन की छुट्टी ले लेते हैं। उसके बाद बस आज के लिए, अभी के लिए यही हूँ दिन में। फिर शाम के समय हम 3 या 4 बजे निकलेंगे फिर रामनगर को। फिर कल से वही जॉब स्टार्ट। ओके देन, आगे मिलते हैं, आज का दिन दिखाते हैं। सो फाइनली अब हम नीचे को जा रहे हैं, तरीताल को। मैं अपनी बुआ से मिलने जा रहा हूँ। सो बुआ से मिल के आते हैं, और नैनीताल का आपको रास्ता देख रहे हो आप। तो यहाँ से बाइक ऐसे निकालनी है नीचे को, मतलब यह है कि आपको अगर आदत नहीं है तो आप बड़ी मुश्किल से निकाल पाओगे यहाँ से बाइक। इसके लिए आदत भी चाहिए आपको। मैं तो बहुत कम ही चला रहा हूँ यहाँ को बाइकें। मेरे को तो ये भी पता नहीं कि कहाँ कोई कहाँ जाना है, बस चल रही है हमारी बाइक, चला रहे हैं हम भाई। और कैसे मुड़ना है, ऐसे मुड़ना है, ठीक है। चलो फिर यहाँ से नीचे खड़े हैं लड़के, अब नीचे मिलते हैं। अरे लड़को, कहाँ हो रही तुम्हारी घुमाई? अच्छा घूमने आए थे, अच्छा लगी जगह? अच्छा जो ये रास्ता है, ये है 7 नंबर वाला धूपकोटी वाला रास्ता। तो 7 नंबर और धूपकोटी एक ही जगह, मतलब धूपकोटी साइड है जहाँ से मैं आ रहा हूँ, 7 नंबर उस साइड है। सो बट और अब रास्ता देखो ना, फुल मेरे को तो बस, फिर भी लोग चला रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, चल ही लेते हैं लोग। तो आप देखो खुद ही, बिल्कुल सीधी खड़ाई है। और हम कल इसमें पैदल चल के आए हैं ऊपर को, हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। बाइक मेरा साथ वाला ले गया था, मैं पैदल आया हूँ उस दिन। मैं रात को पता नहीं चला था अंधेरे में, बट अभी दिख रहा है कि हाँ आखिर कितना स्टीप था, हम कैसे चढ़ के आए। फिर रात को ज़्यादा हो गई थी, और मैंने कहा वीडियो बनती भी नहीं है अंधेरे में अच्छी ऐसी। तो फिर हम आ गए थे ऊपर को, फिर सो गए थे, खाना ना खा के खाना पैक कराया था वहाँ से। अब बैंक का इंतज़ार करता हूँ वहाँ पर। तुम भी वीडियो बनाओ एक, क्या पता कुछ मिल जाए तो कंटेंट भाई। पाँव पे ऐसे रोक के आना पड़ रहा है ना। हाँ हाँ, अब भाई ये देखो, मैं तो नीचे ही पहुंच रहा हूँ, जा ही रहा हूँ नीचे। बहुत स्टीप ढलान है भाई, मतलब इतने में हम चढ़ के आए थे कल पैदल। फिर भी यार देखो, गाड़ी तक ले जा रहे हैं ऊपर को। फाइनली हम बुआ और ताई जी लोगों से सबसे मिल के हम अब जा रहे हैं मार्केट की ओर। सो अभी मैं अगर नीचे दिखाऊँ ना, पॉइंट कर रहा हूँ, ये जो एरिया है तो ये तलीताल है, और फेरी हॉल कंपाउंड तो जहाँ मैं रहता था, और वो ऋषभ का घर दिख रहा है येलो रंग का, तो अभी वो है। अब मैं उससे कहूँ छत में आके मेरे को हाई कर दे। बाकी तो सब यादें ताज़ा हो गई, यहाँ से सारा चीज़ दिख रहा है आपको। सो सबसे मिल के फाइनली अब हम मलिताल को जा रहे हैं फिर से। मलिताल में दोस्त लोग फिर से मिलेंगे आज, और फिर उनके साथ थोड़ी देर गप्पे मारेंगे, फिर हम भी आज निकल जाएंगे रामनगर को वापस। बाकी आज का वेदर कुछ और ऑसम है कल से। कल तो वैसे फिर भी हमको दिख नहीं रहा था, बट आज अच्छा है।
आप आके यहाँ बुक वुक पढ़ सकते हैं, आज फिर बंद है नहीं क्यों। और बाकी नैनीताल में यही मॉल रोड यही है, आइए घूमिए मॉल रोड में। बट ये है कि जो नेचुरल टेम्परेचर होता है वही सेम टेम्परेचर है कि मतलब ओपन एसी है, कोई दिक्कत नहीं कुछ नहीं। बाकी नैनीताल की ये मेन मार्केट है, आज यहीं घूम रहे हैं, कल भी यहीं से गए थे पर अंधेरा हो गया था, वीडियो नहीं बनाई थी मैंने, ये अच्छा बना दिया यहाँ पर। यहाँ कर आप देखो ना सबके शटर में ये बना रखा है और यहाँ पर सजा रखा है, रात को अच्छा लगता है। बाकी हमने कहा घूम लेते हैं, नमकीन ले जाते हैं ज़रा, फिर उसके बाद दोस्तों से मिलते हैं, कुछ खाते हैं, फिर हम भी निकल जाएंगे। जन्माष्टमी आने वाली है तो जन्माष्टमी का सब रख रखा सामान, ये देखो छोटे गाना, हम तो बड़े गाना हो गए। चलो फिर नमकीन नमकीन लेते हैं, मिलते हैं बाद में। बाकी ये फ्लैट्स के यहाँ पर हम आ गए हैं, यहाँ पर चल रही है फुटबॉल की प्रैक्टिस सबकी, वो जो आपको टावर टाइप का दिख रहा है वो रॉक क्लाइंबिंग के लिए बना रखा है, मैं आज ही देख रहा हूँ मैं तो, मे बी रॉक क्लाइंबिंग होती होगी यहाँ पर। और बाकी हम ये बस मस्जिद के जस्ट बगल में बैठे हैं, और ये अंकित भैया, चलो फिर बस थोड़ा वेट कर रहे हैं दोस्तों का, उसके बाद जाते हैं कुछ खाते हैं फिर निकलते हैं। हमने क्या कर रहे हैं, बैठे हैं जरा, 7 बजे आ रहे हैं, तो हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। फाइनली थुप्पा आ चुका है और हम खा रहे हैं, देखो सब लोग बैठे हैं, ज्योति ये निधि भी आ गई। हेलो, हम थुप्पा खा रहे हैं, इसके बाद मिलते हैं आप लोगों को, ज़्यादा नहीं चाहिए। हम नैनीताल से अब चल दिए हैं घर की ओर, ये नैनीताल हमने बाईपास लिया सीधे मलिताल, और मलिताल से सीधे घर। सो आज का वेदर भी फिर कुछ चेंज हो गया कल की तरह, सेम टू सेम। हाँ आज तो ठंडा ज़्यादा है कल से, बट मज़ा आ रहा है। चलो फिर आगे मिलते हैं बाद में। सो यहाँ बारिश होने लग गई अभी, तो हमने रेनकोट डाल लिए हैं, और हम तभी कह रहे हैं कि ठंडा क्यों हो रहा है ज़्यादा, ठंडा इस वजह से हो रहा है क्योंकि बारिश पड़ रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, ठीक है पर फिर भी है ही। You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. अब एकदम फर्स्ट क्लास वाली बारिश पड़ने लग गई है, आप देख रहे हो। मस्त। अरे रे कितना काला धुआं निकाला, ठीक है भाई मज़ा आता है, बताया अगर आप पूरा लैस हो ना अंकित भैया, मतलब आपके पास सारा सामान है तो राइड में अलग ही मज़ा आता है। Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way.
gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be. यहाँ पर मौसम खुल चुका है, अब उतनी बारिश नहीं हो रही यहाँ पर ज़रा कम हो गई है बारिश, अब बहुत प्यारा लग रहा है। मौसम हो चुका है, अब बारिश सब हट गई है, नीचे को ऊपर को में भी फिर से बारिश हो रही होगी। और अब हम एक घंटा दूर अपने घर से, बस आराम आराम से जा रहे हैं। अभी पीछे चाय बैठ के पी, अब बारिश में भीगने के बाद चाय पीने में अलग ही मज़ा आता है। और अब बाकी आप मौसम देख रहे हो कितना प्यारा हो रहा, सही है। हम अब काला ढूंगी पहुँच गए हैं, यहाँ से घर है एक घंटे का। देखो लंगूर भाई साहब, ये भी सबसे प्यारा जंगल लगता है मेरे को, दोनों तरफ घना एकदम, क्या प्यारा मस्त लगता है। स्पीड ब्रेक पकड़ लो, पता नहीं चला। ओके ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। हमारा प्लान बना है कि हम खाते हैं मक्का, भुट्टा खाते हैं, हम भुट्टे खाने का प्लान बना है। बस ये मोड़ जाके आ गई है, सारी दुकानें वहीं भी मिलती हैं। देखते हैं कितने का भुट्टा है, क्या है, खाते हैं। है कोई भी नहीं है, है? हाँ हाँ भुट्टा तो है, यहीं रुक जाते हैं। चलो भुट्टा खाया जाए, सही है। चलो कर लो, दो कर लेते हैं, सही है, बना दो भैया। भुट्टा खाते हैं, सही है। कल से तुम्हारा था ना कि भुट्टा खाना, भुट्टा खाना, तो हम भुट्टा खा रहे हैं, हम सही है। ओके चलो भुट्टा एंजॉय करते हैं। आगे देखो कितना प्यारा लग रहा है, अंकल भैया देखो बादल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, क्या प्यारी, क्या प्यारा शॉट आ रहा होगा। सो अब हम भुट्टा खा के निकल चुके हैं और घर को जा रहे हैं। ओके फिर आगे मिलते हैं। और यहाँ पर कॉर्बेट फॉल भी है, आप अगर आ सकते हैं तो, ये कॉर्बेट फॉल है अंदर, छोटा सा फॉल है, ये है कॉर्बेट फॉल। बाकी यहाँ पर काम चल रहा है, प्यारा दिख रहा है भाई। अब देखो आप मस्त, हाँ भाई यहाँ पर रख के ना ट्राईपॉड रख के बहुत प्यारी वीडियो आ जाएगी। हमारे 15-20 मिनट हैं और अगर आप देखो ना कितना भयंकर मौसम हो रहा है इस साइड को। अभी हमको नैनीताल में बारिश मिली थी और इस साइड को ऐसा मौसम हो रहा है, देखो बिजली चमक रही पूरी। अब पहुँच जाएंगे हम 15-20 मिनट में घर, पर कोई नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं है, हमारे पास रेनकोट है। चलो फिर, मैं बस मौसम ही दिखा रहा था आपको, इतना तगड़ा मौसम हो गया है भाई। जो व्यू है ना रोड का बहुत प्यारा आ रहा है ये। ओके देन फिर पहुंच गए हैं और आपका यहाँ का वेदर देखो, अगर आपको बिजली चमकते हुए दिख रही है तो
तगड़ा हो रहा है, इससे पहले भी दिखाया था आपको आते समय। अब हम पहुँच ही गए हैं एकदम, बट अभी तो बहुत ज़्यादा कड़क रही थी, अब इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है। मस्त हो रहा मौसम, मतलब नैनीताल से हम बादल लेके यहीं आ गए, नैनीताल का मौसम ले आए हैं वहाँ पर। चलो फिर घर पहुँचते हैं, 5-10 मिनट में पहुँच जाऊँगा घर। बाय बाय, आई लव रामनगर। कितना प्यारा लग रहा है ना, मस्त। चलो सही है, पहुँचने वाले हैं नीचे को, तो बारिश हो रही है, बता हमको तो बता रहे हैं कि बारिश हो रही है आगे। अब देखते हैं यहाँ से पेट्रोल भराते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं नीचे की साइड को। सो फाइनली मैं घर पहुँच गया था। बाहर बारिश हो गई थी, फिर मैंने गोप्रो बंद कर दिया था, आपने देखा ही मौसम कैसा हो रहा था। सो आई होप आपको वाली जर्नी अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही मैं घूमते रहूँगा और आप लोगों को घुमाते रहूँगा और ऐसी मज़े करते रहेंगे। ओके देन, गुड नाइट, बाय बाय।